हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हकल मोलिकुलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ एलाइलिक मोलिक्यूल। इससे पहले हमने क्लास में इथीन मोलिक्यूल का HMO ट्रीटमेंट कर लिया था। एलाइल मोलिक्यूल है मतलब हमारे पास तीन कार्बन एटम होंगे, कार्बन 1, 2, कार्बन नंबर 3। उसके लिए हमारे पास जनरल वेव फंक्शन की इक्वेशन क्या होगी, A1P1 प्लस A2P2 प्लस A3P3। A1, A2, A3 क्या है, हमारे हकल मोलिकुलर कॉन्स्टेंट्स HMO कॉफिशियंट्स होंगे। P1, P2, P3 क्या होंगे, हमारे PZ ऑर्बिटल्स होंगे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 के। ठीक है, इसके लिए अगर हम स्लेटर डिटरमिनेंट लिखें तो स्लेटर डिटरमिनेंट हमने सीखा था किसमें, वेरिएशन प्रिंसिपल में। तो वो क्या होगा, तीन है ना, तो 3x3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स बनेगी वो मैट्रिक्स हमारी कितने ऑर्डर की बनेगी, 3x3 ऑर्डर की, क्योंकि कार्बन नंबर कितने हैं हमारे, 3 है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे H11 माइनस ES11, H12 माइनस ES12, H13 माइनस ES13, H21 माइनस ES21, H22 माइनस ES22, H23 माइनस ES23 अप टू H33 माइनस ES33 इक्वल्स टू 0। ये होगा हमारा स्लेटर डिटरमिनेंट। ठीक है, इसके बाद हमने हकल मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या पढ़ा था, जब भी हमारा HNN होगा, HNN मतलब रो और मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी, सेम, मतलब क्या होगा, H11, H22, H23, इन तीनों की वैल्यू क्या होगी हमारी, अल्फा। इनकी जगह हम क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे, अल्फा सब्सटीट्यूट कर देंगे। इनको क्या बोलते हैं हम, कूलम्स इंटीग्रल। इसके बाद हमारे पास और टर्म क्या है, HMN है ना, जिसमें रो की वैल्यू अलग है और कॉलम की वैल्यू अलग है। तो उसके हम वैल्यू कैसे रखते हैं, कि जिनकी वैल्यू रखेंगे, जैसे हमें रखनी है H21, तो कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 1 के बीच में अगर डायरेक्ट बॉन्ड है, अगर डायरेक्ट बॉन्ड है तब तो हम उसकी जगह क्या लिख देंगे, बीटा। तब तो हम उसकी जगह क्या लिख देंगे, बीटा। अगर डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, जैसे 3 और 1, H31 हो गया, H13 हो गया, इनके बीच में क्या है, डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है ना, 1 और 2, 3 कार्बन एटम के बीच में, तो इन दोनों की वैल्यू हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस इंटीग्रल। इसके बाद हमारे पास टर्म आती है एस वाली, है ना, S11, S12, S13। अब इसमें भी देखो दो टर्म है, जैसे एच वाली टर्म थी ना, SMM मतलब SNN बोल दो चाहे, तो उसमें क्या हो गया, जिसमें रो और कॉलम की वैल्यू क्या है, सेम, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरलैप इंटीग्रल। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जहाँ पे वैल्यू सेम है, रो और कॉलम की वैल्यू सेम है, उसकी जगह हम रख देंगे 1, और जहाँ अलग है, जैसे 1, 2 हो गया, 1, 3 हो गया, 2, 1 हो गया, 2, 3 हो गया, 3, 1 हो गया, 3, 2 हो गया, अलग अलग है ना रो कॉलम, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस ई इंटू में 1, इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, H12 वैल्यू देखेंगे किससे, कार्बन से, डायरेक्टली अटैच है या नहीं, तो डायरेक्टली अटैच है ना, 1 और 2 कार्बन एटम, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा माइनस ई S12 की वैल्यू क्या रखेंगे, 0। जब भी अलग अलग होंगे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये हमारा रिड्यूस हो जाएगा, किस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा हमारा, इसमें, ठीक है, किस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा हमारा। ठीक है, H11 की जगह रख दिया अल्फा, S11 की जगह क्या आ जाएगा, 1, H12 डायरेक्ट बॉन्ड था तो उसके बीच में क्या आ गया, वैल्यू 0, 1 आ गया। ठीक है, बीटा रख दिया उसकी जगह पे, S12 अलग अलग है तो वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ये हमारा क्या बन गया, स्लेटर डिटरमिनेंट अकॉर्डिंग। अब हमने क्या लगा दिया इसमें, हकल मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी लगा दी ना, तो इसका बोलेंगे क्या, हकल मोलिकुलर ऑर्बिटल डिटरमिनेंट। अब हमने क्या किया, पूरी टर्म्स को बीटा से डिवाइड कर दिया, तो इसके डिवाइड में बीटा, यहाँ वैल्यू 1, 0, सबको डिवाइड कर दिया। अल्फा माइनस ई अपॉन बीटा को फॉर सिंप्लीफिकेशन हमने क्या सब्सटीट्यूट कर दिया, एक्स सब्सटीट्यूट कर दिया, जो हमारे पास फाइनल डिटरमिनेंट आया वो ऐसे आएगा कि अल्फा माइनस ई अपॉन बीटा की जगह रख दिया एक्स, 1, 0, 1, एक्स रख देंगे, 1, 0, 1, एक्स रख देंगे, इक्वल्स टू 0। आप 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें सोल्व करनी है, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स सोल्व कैसे करते हैं, कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, जैसे हमारे पास यही है, x 1 0 1 x 1
जीरो वन एक्स, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, उसको सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वल टू जीरो। कैसे करेंगे, पहले तो याद रखो प्लस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो हमें बस सिर्फ ऊपर वाली टर्म्स के लिए याद रखनी है प्लस माइनस और प्लस। इसके कोरिस्पोंडिंग वैल्यू जब निकालेंगे तो ये रो छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, क्या हो जाएगा x इंटू में इसके कोरिस्पोंडिंग निकाल देना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वन, ठीक है। प्लस नहीं, क्या आएगा नेक्स्ट टर्म के आगे, माइनस वन इंटू में, अब ये रो छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, जिस जिस रो में वन आ रहा है ना, जिसके कोरिस्पोंडिंग निकाल रहे हैं वो छोड़ देंगे। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस जीरो, ठीक है। अब जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वैसे तो डिटर्मिनेंट में वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस जीरो इंटू में ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, वन माइनस में जीरो, है ना। और इसको जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो हमारे पास फाइनल क्या आएगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वन माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो। दोनों में से एक्स कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वन माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो इसी को मैंने यहाँ डायरेक्ट सॉल्व करके लिख दिया कि इसके कोरिस्पोंडिंग जो पॉलिनोमियल आएगा वो क्या आएगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस टू इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है। अब हम इसके लिए रूट निकालेंगे, रूट कैसे निकालेंगे, एक्स की वैल्यू तो निकालनी है हमें, तीन है ना पॉलिनोमियल की डिग्री, तो तीन रूट आएंगे हमारे पास। पहला रूट क्या होगा, इसको इक्वल टू जीरो पुट कर दो, एक्स इक्वल टू जीरो आ जाएगा। दूसरा रूट क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस टू को इक्वल टू सब्सटीट्यूट कर दो आप जीरो, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर क्या होगा टू, एक्स की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस रूट ऑफ टू। तो तीन रूट क्या क्या आ गए, जीरो माइनस टू प्लस टू। और अब हमें इतना पता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं पहले जब हमारी क्लास लगी थी, कि माइनस जहाँ पे भी एक्स का रूट माइनस आएगा वो किस एनर्जी लेवल के कोरिस्पोंडिंग होगा, बॉन्डिंग एनर्जी लेवल के कोरिस्पोंडिंग होगा। जहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, प्लस की वैल्यू होगी वो किसके कोरिस्पोंडिंग होगी, एंटी बॉन्डिंग के कोरिस्पोंडिंग। और जब भी हमारे पास सिस्टम में एन ऑर्डर का सिस्टम होगा, एन मतलब एन की वैल्यू अगर ओड होगी, जैसे तीन कार्बन एटम हो गए, पांच कार्बन एटम हो गए, सात कार्बन एटम हो गए, तो वहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, एक एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। वो किसके कोरिस्पोंडिंग आएगी, नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल के, ठीक है। तो अब एक्स की वैल्यू एक बार जीरो सब्सटीट्यूट करेंगे, एक बार माइनस टू रूट टू सब्सटीट्यूट करेंगे, एक बार प्लस रूट टू सब्सटीट्यूट करेंगे। और एक्स किसके बराबर रखा था हमने, अल्फा माइनस सी अपॉन बीटा। तो यहाँ से हम सिस्टम की क्या निकाल लेंगे, एनर्जी निकाल लेंगे, मतलब जी माइनस रूट टू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास बॉन्डिंग लेवल की एनर्जी आ जाएगी, जीरो सब्सटीट्यूट करेंगे तो नॉन बॉन्डिंग की आ जाएगी, प्लस रूट टू सब्सटीट्यूट करेंगे तो एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो वो एनर्जी क्या आएगी हमारी, बॉन्डिंग लेवल के लिए जब एनर्जी निकालेंगे, एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी माइनस रूट टू, एक्स किसके बराबर था, अल्फा माइनस ई अपॉन बीटा, तो इसको इक्वल टू क्या रख दिया, माइनस ऑफ रूट टू। तो यहाँ से हमारे पास एनर्जी क्या आ जाएगी, अल्फा प्लस रूट टू बीटा, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, ई वन। बॉन्डिंग लेवल की एनर्जी को हम क्या लिख रहे हैं, ई वन लिख रहे हैं। ऐसे ही मैं नॉन बॉन्डिंग की निकालूंगी, कैसे, एक्स की वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट कर दूँ, जीरो। एक्स की वैल्यू जीरो रखते ही बीटा की टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगी, अल्फा किसके बराबर आ गई, ई, मतलब एनर्जी नॉन बॉन्डिंग लेवल की किसके बराबर आ गई, अल्फा के बराबर आ गई। एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल निकालेंगे, उसकी एनर्जी कितनी है एंटी बॉन्डिंग लेवल की, तो वो किस कैसे निकालेंगे, एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे प्लस टू, एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी, अल्फा माइनस रूट टू बीटा आ जाएगी, ठीक है। अब हमें पता है कि जो हमारा एलाइल सिस्टम है, एलाइल जो सिस्टम है हमारा, एलाइल सिस्टम में तीन सिस्टम होते हैं, है ना, कौन कौन से, एलाइल कार्ब कटायन, एलाइल कार्बेनायन और एलाइल रेडिकल। तो उसमें क्या होगा, हमें पता है ये तो हमारे पास तीन एनर्जी आ गई, ई वन ई टू ई थ्री। ई वन है बॉन्डिंग के कोरिस्पोंडिंग, अल्फा प्लस रूट टू बीटा, ई टू है नॉन बॉन्डिंग के कोरिस्पोंडिंग अल्फा, ई थ्री हमारी अल्फा माइनस रूट टू बीटा किसके कोरिस्पोंडिंग, एंटी बॉन्डिंग लेवल एनर्जी लेवल के कोरिस्पोंडिंग, ठीक है। अब हम कह रहे हैं हमारे पास तीन सिस्टम है,
एलाइल कार्बन आयन, जिसमें डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, दो, कैटायन है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे भाई, पाई बॉन्ड वाले ही होंगे, दो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। रेडिकल की बात करें तो दो तो हमारे पास पाई बॉन्ड वाले हो जाएंगे और एक कौन सा होगा, फ्री रेडिकल वाला, तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो डीलोकलाइज है, तो वो कितने हो गए, थ्री पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर मैं कार्बन आयन की बात करूँगी तो वहाँ पर हमारे पास कितने रेडिकल हो जाएंगे, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो डीलोकलाइज है, वो कितने हो जाएंगे, फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इन एनर्जी लेवल्स में वो इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूट करेंगे और सिस्टम की एनर्जी निकालेंगे, वो एनर्जी कितनी आती है। तो जरा इसमें अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने कि एलाइल कैटायन है तो वो क्या होगा, फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, C3H5+, यही तो होगा ना, तीन कार्बन है, पांच हाइड्रोजन है, उस पर चार्ज क्या आ गया, प्लस। इसको क्या बोल रहे हैं, एलाइल कैटायन बोल दो चाहे एलाइल कार्बनायन आयन बोल दो, एक ही बात है। कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है, टू, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, टू पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो दोनों के दोनों हमारे नीचे बॉन्डिंग लेवल में फिल हो गए, तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, टू इंटू में अल्फा प्लस रूट टू बीटा। भाई इस लेवल की एनर्जी कितनी है, अल्फा प्लस रूट टू बीटा है ना, वो तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए है, अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही अगर मैं रेडिकल के लिए निकालूं तो वो एनर्जी कितनी हो जाएगी, अब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए डीलोकलाइज, थ्री पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, तो दो की तो एनर्जी किस में पड़ रही है, बॉन्डिंग लेवल में पड़ रही है, और एक किस में आ रहा है, नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो उसकी टोटल एनर्जी मेरे पास क्या आ जाएगी, 2 इंटू अल्फा प्लस रूट टू बीटा प्लस 1 इंटू में अल्फा, यही आएगी, तो एनर्जी क्या आ जाएगी, 3 अल्फा प्लस 2 रूट टू बीटा आ जाएगी। अगर मैं एनाइल एनाइन की बात करूं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नेगेटिव चार्ज की वजह से दो इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, और पाई इलेक्ट्रॉन है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कितने होंगे हमारे, दो पाई इलेक्ट्रॉन्स वो हो गए, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, चार हो गए, चार को हमें एनर्जी लेवल्स में रखना है, एक एनर्जी लेवल्स में कितने आएंगे, दो आएंगे, एक एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना विद अपोजिट स्पिन, तो उसमें क्या हो जाएगा, दो बॉन्डिंग वाले में चले गए, दो नॉन बॉन्डिंग में चले गए, तो टोटल एनर्जी क्या आ गई, 2 इंटू में अल्फा प्लस रूट टू बीटा प्लस 2 इंटू में अल्फा, टोटल एनर्जी हो गई 4 अल्फा प्लस 2 रूट टू बीटा। इसके बाद हमने क्या देखनी है, डीलोकलाइजेशन एनर्जी देखनी है, पाई बॉन्ड और डीलोकलाइजेशन एनर्जी। क्या कहा था इसके लिए कि मेरे सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है उसमें से हम माइनस करेंगे कितने एनर्जी होगी अगर उन दोनों के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, ये कह सकते हैं वो इंडिपेंडेंट है, भाई कार्बन नंबर 1 अलग है, कार्बन नंबर 2 अलग है, कार्बन नंबर 3 अलग है, तीनों में एक दूसरे से कोई इंटरेक्शन नहीं है और डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, सेम है, तब मेरे पास पाई बॉन्ड की एनर्जी आएगी, ठीक है। तो अगर उनमें बॉन्डिंग नहीं है इसका मतलब जो बीटा की टर्म है, बीटा की टर्म खत्म हो जाएगी, है ना भाई, बीटा की टर्म क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसे हम इसमें बात करें, कैटायन में बात करें, तो इसमें पहले एनर्जी कितनी आई, 2 अल्फा प्लस 2 रूट 2 बीटा आई, ठीक है। पाई बॉन्ड एनर्जी, डीलोकलाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, इस एनर्जी से माइनस करेंगे कि अगर उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है तब एनर्जी कितनी है डीलोकलाइजेशन की वजह से, तो बीटा की टर्म चली जाएगी, है ना, तो एनर्जी क्या रह गई, सिंपल अल्फा ही रह गई, 2 इंटू में अल्फा, दो इलेक्ट्रॉन है इंटू में अल्फा। ऐसे ही अगर मैं रेडिकल के लिए बात करूंगी तो वो क्या हो जाएगी, वो भी बीटा की टर्म हट जाएगी ना, बॉन्ड हटा के मान रहे हैं हम उसको, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 1 अल्फा, इसकी तो एनर्जी है ही अल्फा, इसमें तो बीटा की टर्म ही नहीं आ रही, तो टोटल एनर्जी मेरे पास कितनी हो जाएगी, 3 अल्फा, इसमें से कितनी हो जाएगी, 2 अल्फा इसकी और 2 अल्फा इसकी हो जाएगी, टोटल कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो कितनी हो गई, 4 अल्फा। इन एनर्जीज में से, इसमें से माइनस करेंगे 2 अल्फा, इसमें से 3 अल्फा, इसमें से 4 अल्फा, जब हम इनको निकालेंगे तो तीनों के तीनों सिस्टम में जो डीलोकलाइजेशन एनर्जी है वो क्या आती है, सेम आती है, कितनी आती है, 2 रूट 2 बीटा, ठीक है, तीनों के तीनों में क्या निकल के आती है, 2 रूट 2 बीटा। अब देखो इसमें जो एनर्जी आई डीलोकलाइजेशन कितनी आई, 2 रूट 2 बीटा आई, जब हमने इथीन मॉलिक्यूल पढ़ा था, इथीन मॉलिक्यूल में कितनी आई थी वैल्यू, 2 बीटा आई थी, है ना, उसमें कितनी वैल्यू आई थी, 2 बीटा आई थी ना डीलोकलाइजेशन एनर्जी, तो अब इसमें कितनी आई, 2 रूट 2 बीटा आई, ठीक है, तो वो वैल्यू में डिफरेंस कितना है, 0.828 का, भाई 2 रूट 2 बीटा माइनस 2 बीटा जब निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 0.828 बीटा, भाई बीटा की टर्म नेगेटिव है ना, तो जो इथीन मोलिक जो एलाइल मोलिक्यूल है, एलाइल मोलिक्यूल की एनर्जी तो क्या आई, और कम आई ना,
भाई ये टर्म नेगेटिव है ना, तो ये टर्म तो बड़ी आएगी, तो माइनस जितनी बड़ी टर्म माइनस की होगी वो वैल्यू उतनी छोटी हो जाएगी। तो इसी वजह से जो एलाइल सिस्टम है वो हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू इथीन मोलिक्यूल। क्यों, क्या 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 कहते हैं, डीलोकलाइजेशन जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, यही रीज़न है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होगी, कितने अमाउंट से इंक्रीज़ होगी, 0.828 बीटा की टर्म में। ठीक है, इसके बाद हम क्या निकालेंगे, वेव फंक्शन, है ना, मतलब A1, A2, A3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और वेव फंक्शन निकाल देंगे, साइमन, साइ2, साइ3 बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स के कोरस्पॉन्डिंग। तो उसके लिए हमें पता है हमारे पास डिटर्मिनेंट, स्लेटर डिटर्मिनेंट, या कह दूँ इसको और क्वालिफाइड फॉर्म में अगर हम लिखें तो वो क्या हो जाएगा, हक्कल मोलिकुलर ऑर्बिटल डिटर्मिनेंट, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हक्कल मोलिकुलर जो थ्योरी थी उसकी टर्म्स इंक्लूड कर दी अल्फा बीटा, और अल्फा माइनस सी अपॉन बीटा को हमने क्या सब्सटीट्यूट कर दिया, एक्स सब्सटीट्यूट कर दिया, तब जाके हमारे पास ये डिटर्मिनेंट आया था। तो हमारा अब इस डिटर्मिनेंट को हम इक्वेशन की टर्म में लिख सकते हैं ना, सेकुलर इक्वेशन। ठीक है, सेकुलर इक्वेशन क्या होगी, A1 इंटू में पहली टर्म प्लस A2 इंटू में सेकेंड टर्म प्लस A3 इंटू में थर्ड टर्म। तो एक तो ये हो गया इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, A1 इंटू में 1 प्लस A2 इंटू में x प्लस A3 इंटू में 1 इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, A1 इंटू में 0 प्लस A2 इंटू में 1 प्लस A3 इंटू में x इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये तीन इक्वेशन निकल के आएगी, जिसको मैंने क्या कह दिया, जनरल इक्वेशन A कह दी। ठीक है, ये इक्वेशन आएगी हमारे पास। अब बॉन्डिंग लेवल के लिए हमारे x की वैल्यू कितनी थी भाई, माइनस वाली लेंगे ना, कौन सी थी, -√2। तो इसमें -√2 सब्सटीट्यूट कर दो एक बार तीनों जगह x की जगह, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A1, A2, A3 की वैल्यू आ जाएगी फॉर बॉन्डिंग लेवल। तो हम इसमें जनरल जो एक्सप्रेशन था हमारा वेव फंक्शन का, जनरल एक्सप्रेशन क्या था, A1 P1 प्लस A2 P2 प्लस A3 P3, यही आएगा। A1, A2, A3 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग टू बॉन्डिंग लेवल, नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग निकालो, x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, -√2 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, A1 इंटू में -√2 प्लस A2 इक्वल टू 0, है ना, -√2 A1, है ना, इधर लेके जाएंगे तो A2 किसके बराबर आ जाएगा, √2 A1 के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं थर्ड इक्वेशन में, इसमें जो A वाली में थर्ड इक्वेशन है, इसमें अगर मैं x की वैल्यू -√2 सब्सटीट्यूट करूँ तो ये किसके बराबर आ जाएगा, A2 विल बी इक्वल्स टू √2 A3। इसका मतलब A2 √2 A1 के भी बराबर है, A2 √2 A3 के बराबर है। तो A1 और A3 आपस में बराबर हो गए, तो एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ से आ गई। दूसरी इक्वेशन की इसकी कंडीशन लगाते हैं हम, नॉर्मलाइजेशन इक्वेशन लगाते हैं, कौन सी, A1² प्लस A2² प्लस A3² इक्वल टू 1। A1 और A3 बराबर है तो मैं A1 या A3 की जगह A1 लिख सकती हूँ, तो क्या हो जाएगा, 2A1² प्लस A2² इक्वल्स टू 1 हो गया। A2 की वैल्यू क्या रखेंगे इन टर्म्स ऑफ A1, है ना, क्योंकि हम उसको निकाल रहे हैं, किसी एक की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो भाई मेरे पास A1 A3 की जगह मैंने A1 रख दिया, यहाँ पे क्या आ गया, A1 और A2 की टर्म में आ गया। अब मैं A1 को भी निकाल रख रही हूँ किसकी फॉर्म में, A2 की फॉर्म में, कौन सी इक्वेशन नंबर 1 से, क्या आ जाएगा, A1 A2 √2 आ जाएगा। ठीक है, हमने ये वैल्यू यहाँ पे रख दी, इसको सोल्व किया, हमारे पास A2 की वैल्यू आ गई 1/√2, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, √2/2, एक ही बात है, 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2, है ना, तो ये हमारे पास फाइनल क्या आएगा, वही आएगा 1/√2 आ जाएगा। तो हमारे पास फोर बॉन्डिंग, A1 की वैल्यू क्या आई, 1/2, है ना, और A1 और A3 तो बराबर थे, दोनों की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई, और A2 की वैल्यू क्या निकाली हमने, √2/2। हमारे पास बॉन्डिंग के लिए वेव फंक्शन आ गया, इसको हम क्या कह सकते हैं, साई बॉन्डिंग, A1 A2 A3 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लियो। सिमिलरली हम क्या करेंगे, नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल के फंक्शन निकालेंगे और एंटी बॉन्डिंग के लिए निकालेंगे। नॉन बॉन्डिंग के लिए एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 0। वही तीन इक्वेशन सेकुलर इक्वेशंस निकालेंगे, सेकुलर इक्वेशंस जो हमारी थी ए वाली जो टर्म्स थी ना, इन तीनों में एक ही जगह क्या रखा था, -2, तो मेरे पास वेव फंक्शन किसके लिए आ गया था, बॉन्डिंग लेवल के लिए। अब हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो
तो हमारे पास किसके लिए ए वन ए टू ए थ्री किसके लिए आ जाएगा, नॉन बॉन्डिंग के लिए आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे प्लस रूट टू, तो हमारे पास किसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग ए वन ए टू ए थ्री आ जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स के लिए आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रख दिया एक्स की जगह जीरो रख दिया, तो हमारे पास ए टू वैल्यू आएगी जीरो, ए वन की वैल्यू आएगी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए थ्री। अब हम क्या लगाएंगे, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन, ए वन स्क्वेयर प्लस ए टू स्क्वेयर प्लस ए थ्री स्क्वेयर इक्वल टू जीरो। ए टू हमारा जीरो आया है, ए वन ए थ्री मतलब ए वन इक्वल्स टू क्या है, माइनस ऑफ ए थ्री है, तो ए थ्री का स्क्वेयर या ए वन का स्क्वेयर दोनों का बराबर ही होगा, क्योंकि माइनस है ना, स्क्वेयर क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास ए वन की वैल्यू क्या आ गई, वन बाई रूट टू, ए थ्री क्या आ जाएगा माइनस वन बाई रूट टू, तो इसका वेव फंक्शन क्या आ जाएगा बताओ, ए वन की वैल्यू क्या आई हमारी, वन बाई रूट टू पी वन, ठीक है, प्लस ए टू की वैल्यू क्या है जीरो, तो वो टर्म ही नहीं लिखेंगे। ए थ्री की वैल्यू क्या है हमारी, माइनस ऑफ वन अपॉन रूट टू पी थ्री, तो वेव फंक्शन हमारे पास किसके लिए, नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स के लिए क्या आ गया, वन बाई रूट टू पी वन माइनस वन अपॉन रूट टू पी थ्री। ठीक है, ऐसे ही हम इसको सोल्व करेंगे, किसके लिए, एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल के लिए सोल्व करें, सॉरी हाँ एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल के लिए सोल्व करेंगे, तो हमारे पास ए वन ए टू ए थ्री की वैल्यू आ जाएगी, उसके लिए हम क्या लिख देंगे, वेव फंक्शन लिख देंगे। अब हमने वेव फंक्शन निकाल लिए, वेव फंक्शन का अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, किसकी एक्सिस के अलोंग, सी वन सी टू सी थ्री, जो तीन कार्बन एटम है हमारा, है ना, तो जिस प्लेन में ले रहे हैं उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन ले रहे हैं, और किस प्लेन के पैरेलल ले रहे हैं, तो एक्सिस कौन सी ले रहे हैं, हम एक्स बाई एक्सिस के कोण ले रहे हैं। ठीक है, तो वेव फंक्शन जब हम इसमें प्लॉट करेंगे, तो साई वन हमारा क्या आया था, साई वन की वैल्यू क्या थी, तीनों के तीनों टर्म पॉजिटिव थी, वन बाई टू पी वन, साई वन क्या था हमारा, वन बाई टू पी वन प्लस रूट टू बाई टू पी टू प्लस वन बाई टू पी थ्री, तो तीनों के तीनों टर्म किस में आएगी, प्लस में आएगी, है ना, और सी वन सी टू सी थ्री के कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा हमें, एक एक मैक्सिमा मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं साई टू की बात करूं, तो देखो सी टू की तो टर्म ही नहीं है ना इसमें, साई टू में जो सेकेंड वाला कार्बन था उसकी टर्म ही नहीं है, तो वो वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, यहाँ पे वो वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव थी, तो वो क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये हमारा किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, वेव फंक्शन टू का विद रिस्पेक्ट टू कार्बन एटम। अगर मैं थर्ड के लिए बात करूं, तो अब इसमें देखो जीरो किसी के लिए नहीं है, तो किसी भी कार्बन एटम पे वैल्यू जीरो नहीं होगी। हाँ, जो कार्बन नंबर सेकंड है, जो मैक्सिमा आएगा, मैक्सिमा तो हमारे तीनों कार्बन पे आएगा, तो पहले कार्बन पे मैक्सिमा पॉजिटिव में, दूसरे कार्बन पे जो मैक्सिमा है वो नेगेटिव में, इसका मतलब कर्व कैसे आएगी, नीचे आ जाएगी बिल्कुल। ठीक है, फिर वापस से थर्ड कार्बन पे मैक्सिमा कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, तो हमारे पास ये कर्व आ जाएगी। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो, पहले साई वन में कोई नोड नहीं है, है ना, साई वन में कोई नोड नहीं है, मतलब नोडल प्लेन को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा वो, साई टू में एक जगह पे कट कर रहा है, तो इसमें नोड कितने हो गए, वन, इसमें नोड कितने हो गए, वन हो गए। साई थ्री में नोड देखेंगे तो वो कितने हो जाएंगे, टू, साई थ्री में नोड कितने हो गए हमारे, टू नोड्स हो गए। अब ये किसके लिए था, बॉन्डिंग के लिए, है ना, ये बॉन्डिंग के लिए था, ये हमारा किसके लिए था, नॉन बॉन्डिंग के लिए, और ये किसके लिए है हमारा, एंटी बॉन्डिंग के लिए, इन तीनों के लिए ही है हमारा, बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। अब हम ये देखेंगे कि जैसे हमने इथीन में देखा था ना, एच टू मोलिक्यूल की तरह ही वहाँ पे क्या हो रही थी, बॉन्डिंग हो रही थी और नॉन बॉन्डिंग हो रही थी, तो एंटी बॉन्डिंग में जा रहे थे, तो यहाँ पे हम इन तीनों का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, थ्री डायमेंशनल शेप क्या होगी, ये हमारा साई वन के कॉरस्पॉन्डिंग, ये जो टर्म सिंबल लिखा है, मोलिकुलर टर्म सिंबल, ये सिंपल एलाइलिक मोलिक्यूल कैटायन के लिए लिखा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एटॉमिक मोलिक्यूल बॉन्डिंग के लिए हो जाएगा, ये किसके लिए हो जाएगा, जहाँ पे एक नोड आ रहा है वो भी किस कार्बन नंबर टू पे, नॉन बॉन्डिंग के लिए, और ये किसके लिए हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ब्यूटाडाइन, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, ब्यूटाडाइन का एचएमओ ट्रीटमेंट।